दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल मॉड्यूलर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन में। तो आज मैं आया हूँ मकीता शोरूम में। तो आज मकीता शोरूम को कवर करेंगे हम और मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पर है और आप यहाँ से टूल्स कैसे परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी दूर, लगभग मुझे 150 किलोमीटर चल के आना पड़ा है आपको दिखाने के लिए। रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मकीता का शोरूम। ये देख लीजिए, ये ऑर्थोराइज शोरूम है मकीता का और ये लिखा है, पूरा बड़े बड़े अक्षर में लिखा है यहाँ पे, मकीता एक्सपीरियंस जोन एंड सर्विस सेंटर। पहले भी मैं यहाँ से कई सारी मशीनें लेके गया हूँ तो, और वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं मशीनों के, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा यहाँ पे जो कोडेड मशीनें होती हैं अपनी इलेक्ट्रिक, वो लगी है यहाँ पे पूरी, आप देख सकते हैं। और कोडेड कोडलेस सारी मशीनें यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं हर समय, कभी भी आप आएंगे तो आपको सारी मॉडल की मशीनें यहाँ पे मिल जाएंगी फ्रेंड्स। कोडलेस और कोडेड मशीनें भी हम लोग चलाते हैं, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था वीडियो में मकीता कोडलेस कोडेड ड्रिल, ये सब कुछ हम इस्तेमाल करते हैं। और ये यहाँ पर सर्कुलर शो हैं, पूरा ही जो कंपनी का आपको टूल्स बनाती है वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और ये जो शोरूम का एड्रेस है वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। यहाँ पर ये एंगल ग्राइंडर है कोडेड, ये बेंच ग्राइंडर है, और यहाँ पर जो है ये पूरा कोडलेस का है, जो ये पूरा डिस्प्ले है ये पूरा कोडलेस का है। और बहुत सारी कोडलेस मशीनें यहाँ पर आप देख सकते हैं लगी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई सारी जो मकीता की कोडलेस मशीन है उनके रिव्यू हमने किए हुए हैं और हमारे चैनल में उनके वीडियो पड़े हैं और आप जाकर के देख सकते हैं, जो कि मकीता 18 बोल्ट 12 बोल्ट सभी तरह की मशीनें के रिव्यू मैं कर चुका हूं अपने चैनल में, आप देख सकते हैं। ये कोडलेस हैमर है और ये शायद मुझे लग रहा है 12 बोल्ट में चार्जर पर लिखा है। ये दो बैटरी के साथ आती है। ये स्क्रू ड्राइवर है, कोडलेस स्क्रू ड्राइवर। और मैं आपको बता देता हूँ, ये डिमोलिश यहाँ पर लिखा है, ये रिंच है कोडलेस, कोडलेस एंगल ग्राइंडर है। और एक मजे की बात बताता हूँ, इसमें देखो डबल बैटरी लगती है, ये 18 बोल्ट की शायद इसमें दो बैटरियाँ लगेंगी, 18+18 36 वोल्ट का ये एंगल ग्राइंडर है। एक और देखा था मैंने, ये भी 36 वोल्ट की है, इसमें भी 18 की दो बैटरियाँ लगेंगी। तो सारे टूल्स मकीता के आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। मैं कई सारी मशीनें हम लोग यहाँ पर परचेज पहले कर चुके हैं। और ये सर ने देखिए सीधा सीधा कर दिया है, ये जो सर हैं यहाँ पर इस समय, हाँ जैसे बोल्ट टाइट हो जाते थे, हाँ इसके बाद ऑटो कट है, ऑटो कट है, अच्छा अच्छा हाँ। तो जो यहाँ पे जो इसको लीड करते हैं शोरूम में, वो मुकेश जी, वो आज यहाँ पर है नहीं और उनके सहपाठी यहाँ पर हैं। मैं आया था, मैंने उनको कॉल नहीं किया लेकिन वो निकल गए यहाँ से। तो पूरा एड्रेस मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, ये आप कैसे विजिट यहाँ पर कर सकते हैं। और कई सारे मेरे भाइयों ने सवाल पूछे थे कि जो ऑर्थोराइज डिस्प्ले सेंटर होता है मकीता का वो कहाँ पर है करके। तो ये जो हमारे उत्तराखंड में है यहाँ पर ये एक ही है और पूरे उत्तराखंड को यहीं से कवर अप किया जाता है जो भी सारी मशीनें होती हैं। और 18 बोल्ट की, जैसे कि आपको पता है कि हम सारी मशीनें यूज करते हैं, ये भी देखिए ये 12 बोल्ट में, 12 बोल्ट का ये है स्क्रू ड्राइवर प्लस ड्रिल है ये, और ये भी 12 बोल्ट में, ये नए मॉडल में आती है और विद एलईडी लाइट के आती है ये, इसमें एलईडी लाइट भी मिलेगी आपको। और ये रिंच है, ये तो इतनी इतनी बड़ी रिंच है, ये तो पकड़ने में भी इतनी भारी है, ये काफी काफी हैवी रिंच है, ये बड़े काम के लिए जैसे ट्रक के टायर वगैरह खोलने होते हैं ये उनके लिए होती है। और ये भी रिंच है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है मॉडल नंबर सभी के यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, यहाँ पे स्टॉक आता रहता है जाता रहता है। और पहले पिछली बार जब हमने यहाँ पर विजिट किया था तो बहुत सारा स्टॉक था, मैं मशीनें यहाँ से लेके गया था और अभी भी काफी सारा यहाँ पर स्टॉक है। ये कॉफी मेकर है,
मुझे भी पहले सोच रहा था मैंने कहा ये क्या बनाया हुआ है, लेकिन ये कॉफी मेकर है, कोर्डलेस कॉफी मेकर। आप देख सकते हैं मॉडल नंबर है इसका, यानी कि ये भी बैटरी वाला है, आप बैटरी से कॉफी बना सकते हैं। ये इनका वैक्यूम क्लीनर है, ब्लोअर है, और ये कुछ कटिंग के लिए है, आप देख सकते हैं ये भी ब्लोअर है। टोटल जो टूल्स मकीता के हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और नए नए मॉडल जो मॉडल हैं टूल्स के वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार रिव्यू किया था मकीता की मशीन का, जो हम कोर्डलेस मशीन का रिव्यू करके दिखाया था, वो मॉडल शायद अब नहीं आता है, वो काफ़ी पुराना मॉडल है मकीता का। और यहाँ पर ये आपको चैनसो मिल जाएगी, ये चैनसो है यहाँ पे, इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये है आपका फार्मिंग के लिए, ये जो मशीनें हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो अपनी ग्रास कटिंग के लिए है। क्या कहा सर आपने? हाँ, घास कटिंग। हाँ तो ये क्या है, ये फ्रिज है क्या? हाँ, ये जैसे हाँ वही मैं देख रहा था, ये फ्रिज है, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा क्यूट सा जो है ये दिख रहा है, दिखने में लग रहा है। और ये जो है फ्रिज है, ये भी ले जा सकते। अच्छा, इसको ऐसे उठाने वाला है ये। और ये जो इसका स्टैंड है, ये स्टैंड इसका नहीं है। अच्छा, ये स्टैंड अलग है, ये वैसे ही है ये, अच्छा वैसे ही होगा ये, इसमें वो डालनी पड़ेगी आइस। हाँ, ये आइस वाला है, बैटरी वाला भी आता है इसमें, बैटरी वाला भी आता है। हाँ, ये सर बता रहे हैं कि ये आइस वाला है और इसमें बैटरी वाला भी आता है। इस पर आपको जितने टेम्परेचर सेट। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। और ये जो है दोनों ही, ये मल्टी टूल हो गया, ये ब्रश कटर भी बन सकता है और हर ट्रिमर भी बन जाएगा। अच्छा अच्छा, ये पूरा ही एक ही सेट है, मैं वही देख रहा था, मैंने कहा ये है क्या, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पर आगे लग जाता है, ये ब्रश कटर बन जाएगा। हाँ, और पोल्सो बन जाएगा, जैसे हाँ, टहनी वगैरह काटने। हाँ, टहनी वगैरह काटने के लिए, हर्ष के लिए हो गया। अच्छा, और जो लॉन्ग के किनारे घास होती है उसको काटने। ओके ओके ओके। ये तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा है ना ऊपर से नीचे तक एक ही सेट है पूरा, और ये पूरा एक ही डिस्प्ले है। हाँ, ये नीचे ये गुड़ाई के लिए है, जैसे अपने क्यारी वगैरह हमें गुड़ाई करनी होती है हाथ से करते हैं, जो वो ये मशीन से हो जाएगी। ये तो ये कोर्डलेस है। हाँ, ये पूरा कोर्डलेस है, ये पूरा कोर्ड बैटरी वाला है, इसको लाइट की तार की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा कोर्डलेस है। और ये जो पूरा काउंटर है ना, ये पूरा कोर्डलेस का है, वहां पर एंगल ग्राइंडर कोर्डेड है वहां पे। ये पूरा कोर्डलेस है और यहाँ पर ये कोर्डेड है मशीन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मकीता की एक जिक्सो का मैंने रिव्यू किया था, तो वो ये जिक्सो थी, प्लेनर। कई भाइयों ने प्लेनर के बारे में पूछा था, मकीता के प्लेनर, तो आप यहाँ आ सकते हैं, मकीता के जो प्लेनर है वो आपको मिल जाएंगे, सभी तरह के मॉडल आपको मिल जाएंगे। फिलहाल ये डिस्प्ले में एक ही लगा हुआ है, जो भी मॉडल होगा मॉडल नंबर आप बता सकते हैं और यहाँ से लेके जा सकते हैं फ्रेंड्स। ये अपना जो सर्कुलर शो होता है, ये सर्कुलर शो है, और ये कोडेड सर्कुलर शो है फ्रेंड्स। और ये अपना मल्टी कटर है, इसको हम मल्टी कटर बोलते हैं, जो कि मार्बल काटने के मार्बल और लकड़ी दोनों का ही काम कर सकता है फ्रेंड्स। ये जो इनका डिस्प्ले शोरूम है, ये है रुद्रपुर में, और मैं एड्रेस अभी सर से पूछ लेते हैं, क्या एड्रेस है सर यहाँ का? सिद्धूवार एक्सिस बैंक के बगल में। सिद्धूवार एक्सिस बैंक के बगल में। और ये जो हाईवे जाता है, ये जाता है पंतनगर हल्द्वानी वाला हाईवे। हाँ, हल्द्वानी वाले हाईवे पे आप आएंगे तो आवास विकास में है। और ये पूरा एड्रेस है यहाँ का, पूरा अंदर ये सर्विस सेंटर है यहाँ पे पूरा सर्विस सेंटर है यहाँ पे। अगर कोई भी मशीन आप लेके जाते हैं, मकीता के बारे में आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मकीता वैसे ही एक विश्वास करने वाली कंपनी है। हम काफ़ी सारे टूल्स जो मकीता के इस्तेमाल कर चुके हैं, और मैंने कई भाइयों को रिव्यू भी करके दिखाए हैं। ये पूरा सर्विस सेंटर, यहाँ पे सारे पार्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, ये पूरे पार्ट्स आपको अवेलेबल यहाँ पर मिलेंगे। कोई भी मशीन A to Z मकीता की, उसके पार्ट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। और स्टॉक जो है इन्होंने अंदर भी रखा हुआ है, क्योंकि सारा स्टॉक डिस्प्ले में नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ मशीनें हाथ लगाने से गंदी हो जाती हैं और फिर जगह भी नहीं होती है, तो ये पूरा स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है।
लगभग एक साल पहले मैं यहाँ पे आया था, एक से डेढ़ साल मुझे हो गया है, और ये जो मैं यहाँ से हम मशीनें परचेज करके लेके गए थे फ्रेंड्स, और मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे जो बिट्स होते हैं ना मकीदा के जो बिट्स होते हैं सारे, वो आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे, जो अपने कंक्रीट बिट्स हैं और वुडन में काम करने के लिए बिट्स होते हैं पूरे ही जो। हाँ, मकीदा की एक चीज़ और है, ये टॉर्च भी आती है यहाँ पे, जो टॉर्च आती है ना मकीदा की, जो अपने हम बैटरी यूज़ करते हैं ना अपने मशीनों में, कोर्डलेस मशीन में जो हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं, वही बैटरी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये टॉर्च जो होती हैं, ये काफ़ी जो फ्लेम होता है वो काफ़ी हाई होता है इनका, और जैसे कि भी अंधेरे में काम करना या कुछ करना तो उससे आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारी जो टूल्स होते हैं मकीदा के, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और ये अपना कटर, ये ब्लेड है कटर के, और सर ये ब्लेड किस लिए है ये? नहीं, ये वाला ही, ये घास काटने वाली है, वही मैं कह रहा हूँ, ये ब्लेड किस लिए, उसकी तो है नहीं कटर की, ये घास काटने वाली ब्लेड है। और ये जो तार वायर जैसी दिख रही है, ये भी घास काटने। अच्छा, ये घास काटती स्पीड से? अच्छा, स्पीड से काटती होगी। हाँ, अच्छा, ये घास काटने के लिए है, ये जो है ना ये वायर टाइप की है, और ये काफी हार्ड है दिखने में, ये जो है स्पीड बहुत ज्यादा होती है इसमें। तो ये भी ग्रास कटर है, ये जो घास काटने के लिए होता है। और यहाँ पर आपको बिट मिलेंगे, जो भी बिट आपको चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे सारे। ये अपना जो फ्लैट बिट आता है, त्रिशूल बिट हम बोलते हैं, ये हमारी जिक्सो की ब्लेड है, ये पूरी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। और ये अपने जो हैमर होती है, और उसमें आगे एडेप्टर होते हैं लगाने के लिए, तो वो सारे कुछ यहाँ पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप आके आसानी से कुछ भी परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये पूरे क्या 40 वोल्ट में आ रही है ना? अच्छा, ये जो 36 वोल्ट वाली है, इसमें डबल बैटरियां लगती है ना? इसका डबल है, अभी 40 की एक कर दी। अच्छा, ओके ओके ओके, ये है, बाकी बुक है यहाँ पे। बुक में सर से एक लेके जाऊंगा, पहले भी मैं लेके गया था, और सारी चीजें आपको बारी बारी से मैं बताऊंगा। एक बार सर एड्रेस और बता दीजिए एक बार, कहाँ पर है? आवाज विकास रुद्रपुर। हाँ, रुद्रपुर। हाँ, सिद्धुवार एक्सिस बैंक के। हाँ ठीक है, ये रुद्रपुर में, और आप कभी भी आके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, और कोई भी जो भी आपको मशीन चाहिए कोर्डेड या कोर्डलेस, वो यहाँ से आके ले सकते हैं फ्रेंड्स। छोटी छोटी जो टूल्स होते हैं, हैंड टूल्स, वो भी तो आते हैं मैं कहता कि, जैसे मेजरिंग टेप हो गया, इंची टेप वगैरह हो गया, वो सब भी मिल जाता है यहाँ पे? आते हैं अभी, उसका उतना नहीं। अच्छा, कॉस्टली है? अच्छा हाँ, थोड़ा कॉस्टली रहता है, अगर आपको चाहिए होंगे तो आप अरेंज करके, हाँ आप मंगवा भी सकते हैं यहाँ आके। और मैंने भी कई बार यहाँ, मैं हादसे में नहीं आता हूँ, मैं एक बार फ़ोन करता हूँ बस, जो यहाँ पे रहते हैं सर, और वो हमारे वहाँ पे भिजवा देते हैं किसी भी तरीके से।